पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं बहुत सारे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो आपको, आपको कोरोना हो किसी भी तरह का, हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं आपसे, सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, मतलब ये कि अगर कोरोना इतना परसेंट हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना परसेंट हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज़ बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग थक चुके हैं, 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। लेकिन क्या करें, ज़रूरी है, आपकी सेहत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। जैसे मैंने बताया कि ये कोरोना बहुत माइल्ड है, हम देख रहे थे पिछले 1 महीने का डेटा, 1 महीने के अंदर ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ना ही आईसीयू के अंदर ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तरीके तौर पे एक एक मिनट नज़र रखे हुए हूँ सिचुएशन के ऊपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूँगा। अगर कुछ भी खतरे की बात होगी, चिंता की बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतनी भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे, वो तो अच्छी चीज़ नहीं है। फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो ख़राब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। नमस्कार। देश विदेश की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वीकेंड रिपोर्ट और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।